एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, अभी बज रहे शाम के 7:15, यानी कि 6:45 हो चुके हैं, और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दूँ। तो चलिए आज आप लोगों के साथ अपना डिनर शेयर करते हैं कि कैसे मैं बनाती हूँ। वैसे मैं बनाने वाली हूँ आज शाही पनीर और रोटी बनाऊँगी, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने की हुई है। तो सोचा कि चलो आज वीडियो ही शुरू कर लेते हैं और ब्लॉग बना लेते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने घर का थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ कि फ़िलहाल मेरे घर में कैसा क्या चल रहा है। सो गाइस, मेरे घर में, पूरे घर में इस तरीके से कारपेट बिछी हुई है, क्योंकि जो मार्बल होता है वो ठंडा होता है। और आप लोगों को भी पता होगा कि लास्ट 4-5 वीडियो से आप लोग देख रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इस रूम में हम लोग कम रहते, इसलिए इस रूम में नहीं लगाया हुआ है। और ये बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। हाय करो। हाय। तो इसीलिए पूरे घर में इस तरीके से कारपेट बिछाया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कारपेट बिछाने, वो जो ज़मीन है वो अंदर से भाप बनती है ज़मीन में, तो जिसके कारण से खांसी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने पनीर को उबालने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैंने काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो हर रोज़ काढ़ा पीना है। इसलिए डॉक्टर साहब ने बोला है कि नीचे ज़मीन पे कुछ बिछा देने के लिए, क्योंकि ज़मीन जो है वो भाप बनता है, जिसके कारण सुरसुराहट होती है गले में, और इसी वजह से खांसी होती है। और मुझे कल मुझे खांसी हो रहा था अचानक, कि मतलब कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर में भी फ़िलहाल कितनी दवाइयाँ हैं। देखो, पूरी भरी पड़ी है दवाइयों से, इधर भी भरी पड़ी है। तो चलिए, मेरी स्टोरी तो चलती रहेगी, और फटाफट से आप लोगों के साथ डिनर शेयर कर देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए हमारे घर का रेड कारपेट। मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और शाही पनीर बनाने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, 2 छोटी चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले, जिसमें से कि एक इलायची, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, 8 लौंग है, और 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा है। उसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इसके बाद भूनेंगे, प्याज को हमें उतना ही भूनना है जितने की ज़रूरत हो, और सारी कुकिंग हमें मीडियम फ्लेम पे करनी है। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को बस हमें इतना भूनना है कि प्याज का कच्चापन निकल जाए, और प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमेशा चलाते रहना। उसके बाद मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर, और उसमें मैंने 12 से 14 काजू लिए हैं, और इन दोनों का पेस्ट बनाकर मैं इसमें डाल दूंगी, और इनको भी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से कुक करना है। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और ये तीखा नहीं होता है, इसलिए 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 1/2 कटोरी दही। दही से काफ़ी अच्छा रिच टेस्ट आता है, और दही डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो करके रखा था, क्योंकि अगर मैं हाई फ्लेम पे अगर दही डालूँगी तो हमारी दही फट सकती है, तो इसलिए मैंने फ्लेम को लो ही करके रखा है। और इसको जल्दी जल्दी से मिला देंगे, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच लिया है सॉस। सॉस डालने से काफ़ी अच्छा कलर आता है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि वो जो हमने दही डाला और टमाटर डाला थे, जिसके कारण हमारी जो पनीर है वो खट्टी हो जाएगी, हमारी पनीर की जो ग्रेवी है वो खट्टी हो जाएगी, तो इसलिए सॉस जो है उसको बैलेंस करेगा। उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और उसके बाद हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच से भी कम चीनी। उससे क्या होगा कि ये अच्छे से हमारी जो
सब्जी है उसको अच्छा सा एक टेस्ट देगी और सारे जो खट्टापन है उसको बैलेंस करेगी। उसके बाद हमने जो पनीर बॉईल करके रखा था वो हम डाल देंगे, पनीर को हमने नहीं सॉटे किया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और मेरे पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो हल्का सा उसको रोस्ट करके कस्तूरी मेथी डाल दे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्रीम नहीं था या फिर मलाई नहीं थी तो मैंने दूध डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास क्रीम और मलाई नहीं थी फ़िलहाल, तो इसमें दूध डाल दिया। दूध से भी सेम टेस्ट आता है। आप यहाँ पे पानी का भी यूज कर सकते हो पर मैंने दूध का ही यूज किया है। और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट पका बंद कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, तो मैंने तवा चढ़ा दिया रोटी बनाने के लिए। उसके बाद मैं रोटी डाल दूँगी। मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी बनाती हूँ पर पतली बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर छोटी रोटी भी बनाऊँगी तो भी सब एक ही दो रोटी खाएंगे, बड़ी रोटी बनाऊँगी तो भी एक या दो रोटी ही खाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही रोटी बनाती हूँ। और मेरी रोटी जो है वो बिल्कुल गोल नहीं होती है, तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बना लूंगी। और हमारा डिनर जो है वो सिंपल सा बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ शाही पनीर और रोटी मैंने बनाया था और कुछ भी नहीं। तो ये रहा हमारा डिनर, शाही पनीर और रोटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी वाला दूध बनाया हुआ है और अभी मैं सर्व करूँगी हल्दी वाले दूध, क्योंकि अभी हर किसी के घर में ये सारी चीज़ें बनती ही बनती हैं। तो मैंने दूध बनाया और मैं कैमरे में देख रही थी जिसके कारण मेरा जो थोड़ा बहुत दूध है वो ट्रे में ही गिर गया है। तो आधी आधी गिलास ही हम लोग दूध लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इवनिंग में भी दूध पी लिया था। और ये देखिए हमारा दूध भी गिर चुका है। फिर बज रहे हैं रात के 11:10। मेरे सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है और अब मैं जाऊँगी सोने। सो फाइनली मेरे सारे काम जो हैं वो हो गए हैं, किचन भी क्लीन हो गया, डिनर भी हो गया और मैंने अपना स्किन केयर भी कर लिया। मुझे जो मेडिसिन खानी थी वो भी मैंने खा लिया है। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं आपको दिखा देती हूँ, रात के 11:30 बज रहे हैं और ये पंखे की वजह से वो मैंने लगाया था जो ख़राब हो गया है, क्योंकि पंखे चलते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उसको मैंने ठीक नहीं किया हुआ है। सो अब फाइनली वक्त आ गया है कि मैं वीडियो को एंड कर दूं। मैंने सोचा सोने से पहले मैं ये वीडियो को एंड कर देती हूँ, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत किया है आप लोगों के साथ वो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।